नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एक कविता, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा देश में मुसलमानों की स्थिति और सुरक्षा के संबंध में दिए गए बयान को आईना दिखाती हुई एक कविता आपके सामने प्रस्तुत है, सुनिएगा। हमने सोचा था दिल में ईमान बसा के चलते हो, लेकिन अब लगता है पाकिस्तान बसा के चलते हो। यही देश है जिसमें अजहर कप्तानी कर जाता है, इसी देश में उवैसी भी मनमानी कर जाता है। यही देश है खान बंधुओं को अपनापन देता है, इसी देश में टाकीज में जाकर अपना धन देता है। देश जहां पे बॉलिंग की शुरुआत सनी से होती है, अय्यूब पंडित के मरने पर पूरी जनता रोती है। देश जहां अशफाकुल्ला दिल से पूजे जाते हैं, देश जहां अब्दुल हमीद भी परम वीरता पाते हैं, देश जहां मिल्ला की सेनाई बड़ी सुरीली है, देश जहां जाकिर के तबलो वाली थाप रंगीली है, देश जहां पे सबसे अच्छे भजन रफी ने गाए हैं, यही देश है जहां सानिया ने सम्मान कमाए हैं, इसी देश ने तुमको वर्षों सत्ता का सुख पाया है, इसी देश ने ही तुमको सर्वोच्च पदों पर लाया है, लेकिन तुमने सदा देश की मर्यादा को तोड़ा है। कुर्सी छूट गई तो भाषण को मजहब से जोड़ा है, तुम ही थे जो वंदे मातरम गाने से तक कतराते थे, तुम ही थे जो देश के झंडे का सम्मान घटाते थे, अपना उल्लू सीधा करके खुद का तो उत्थान किया, तुम जैसे लोगों ने सच्चे मोमिन को बदनाम किया। ढूंढ लो जर्रा जर्रा, इतना मान नहीं मिल पाएगा, जन्नत मिल जाएगी हिंदुस्तान नहीं मिल पाएगा। जो कलाम जी जैसे होंगे सर पे उन्हें बिठाएंगे, जो कसाब के जैसे होंगे फांसी उन्हें चढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर ये कविता आपको पसंद आई हो, वीडियो को शेयर करिए और ये वीडियो ये जो है हामिद अंसारी तक पहुंचना चाहिए, ये वीडियो उपराष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति तक पहुंचना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले, उनको पता चले, असलियत पता चले कि उन्होंने क्या बोला है, ये बात सही है। 10 साल तक, इतने सालों तक उनको हम लोगों ने उपराष्ट्रपति तक पहुंचाया, जनता ने उपराष्ट्रपति तक पहुंचाया, और आज वो ऐसी बयान दे रहे हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है देश के अंदर। बताइए आप, देखिए कहां तक उन्हें हम लोगों ने पहुंचाया। इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए, और वीडियो पे कमेंट भी करिए, ठीक है। अगर आप मेरी इस कविता से अगर सहमत हैं तो वीडियो पे कमेंट भी करिए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हमारा ये फर्ज है, क्योंकि आईना दिखाना हम लोगों का फर्ज है, हमने बनाया है कविता। अगर हमने ये आपके सामने कुछ लाइन रखी है तो इसको जो है शेयर भी करिए और पहुंचाइए, और इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।